इतने जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, आप बॉर्डर बजा रहे हैं भाई साहब, देखो कहीं भी जाओ, कहीं जो जिस काम जो काम सारा है, दो ब्रिज दो हाईवे उत्तर प्रदेश में, आपके यूपी में पूरे सेंटर में लगा लो भाई साहब, कौन सा विकास नहीं हुआ, कहाँ काम नहीं हो रहा, कौन सा हाईवे नहीं बना, बताओ कहाँ भी चले जाओ, दो हाईवे के नाम, आप किधर भी किसी रोड से दो हाईवे के नाम, दो हाईवे में तो जाता नहीं कहीं, तो मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार चुनाव का, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये मुद्दा रहेगा या फिर वही जाट ब्राह्मण जाता राष्ट्रवाद का बीजेपी को, तो मतलब जिस तरह की कंडीशन अभी को, तो लोन मिल रहा है जो रईस है उसे तो लोन मिल रहा है, वैसे आदमी को लोन नहीं मिलने, तो यार ठेले वाले कोई लोन देने को तैयार नहीं है, या ठेले वाले कोई लोन देने का मतलब ही नहीं किसी चीज़ का, ठेले वाले को कोई एक रुपया देने को तैयार नहीं है, और ब्याज वाले 10% पे 5% पे पैसे मांगते हैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी के चुनावी सफर, और आज मौजूद हैं मेरठ जिले के मेरठ साउथ विधानसभा में, मेरठ दक्षिण विधानसभा में, देखेंगे यहाँ पर किस कैसा रुख है। फिलहाल तो यहाँ भाजपा का विधायक, भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में, और यहाँ से भी भाजपा का विधायक, और भी हम आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग, इनसे चर्चा करेंगे, चाट भंडार यहाँ पे, ये मार्केट, और सामने इधर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उसके सामने वाली सड़क, इस पर हम अभी खड़े हैं, तो चर्चा कुछ करेंगे, चुनावी चर्चा कि किस तरफ रुख इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का है, मेरठ साउथ की जनता का है, सभी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, और मैं लगातार सभी विधानसभाओं की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और दूसरी बात, जो लोग अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी विधानसभा और अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारी ईमेल dasunami.news@gmail.com पर लिख के बताएं, तो उसके बाद हम आपके पास भी पहुंचने का काम करेंगे, और आपसे मिलेंगे आपकी विधानसभा में आके। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस बार चुनाव के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होंगे, क्योंकि जो त्राहिमाम मचा, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, तो समझेंगे क्या स्थिति है। पहले तो भाई साहब से बात करते हैं, चाट भंडार इनका ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सामने वाली गली में, साहब क्या रुख इस बार आपको लग रहा है, यहाँ पे लोग आते होंगे, बैठते होंगे, चर्चा भी करते होंगे, तो क्या इस बार लग रहा है रुख किस तरह है? यहाँ तो काम ही नहीं है कुछ भी, कोई काम नहीं, काम धाम ही नहीं है बिल्कुल भी, ठेले वाले सब कर्जे में डूबे पड़े हैं, लॉकडाउन का कर्जा आज तक नहीं उतरा अभी तक भी, अब फिर दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है, गरीब आदमी फिर भी मर रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी तरफ रुख है, किसकी तरफ जनता जा रही है? बीजेपी को तो मतलब जिस तरह की कंडीशन अभी को, तो लोन मिल रहा है जो रईस है उसे तो लोन मिल रहा है, वैसे आदमी को लोन नहीं मिलने, तो यार ठेले वाले कोई लोन देने को तैयार नहीं है, या ठेले वाले कोई लोन देने का मतलब ही नहीं किसी चीज़ का, ठेले वाले को कोई एक रुपया देने को तैयार नहीं है, और ब्याज वाले 10% पे 5% पे पैसे मांगते हैं यहाँ। तो यहाँ आपकी बार बीजेपी, बीजेपी का मतलब जिस तरीके इस कंडीशन में दिखती है, तो क्योंकि लोग तो कहते हैं कि काफ़ी काम किया बीजेपी ने, यूनिवर्सिटी, गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा, अब एक हो तो कोई पैसे, कोई लोन लेने जावे या किसी चीज़ के लिए जावे, पहले उससे फॉर्मेलिटी पूरी हुई, फॉर्मेलिटी कहाँ से करेगा उस पर, वो खुद ही भूखा नंगा आया, वो कहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, ये बताओ आप फॉर्मेलिटी कहाँ से पूरी करेगा। पकौड़ा रोजगार योजना की बात थी, लेकिन उसके लिए भी वो स्टॉल शुरू करने के लिए भी लोन जो चाहिए वो लोन नहीं मिल पा रहा है। साहब कुछ बात करेंगे क्या, क्या इस बार क्या रुख लग रहा है देश की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का, और यहाँ से खास तौर से मेरठ साउथ से? अब की बार सरकार चेंज हो सकती है, हाँ गठबंधन की सरकार आएगी, हाँ क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो क्या ये वही बात कि क्या महंगाई मुद्दा और जो स्वास्थ्य शिक्षा मुद्दा रहेगा, या फिर भटक जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, भटक जाएंगे? भाजपा केंद्र में तो रहेगी, लेकिन राज्य में नहीं, राज्य में नहीं रहेगी, राज्य में कुछ नहीं, नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं योगी सरकार ने काफी काम किया है, काम क्या है, लेकिन महंगाई तो रोक ही नहीं रहे, वो महंगाई तो रोक ही नहीं लग रही है, हर चीज़ में महंगाई, सिलेंडर महंगा होता जा रहा है हर बार, और पेट्रोल देख लीजिए 100 पार कर जाएगा अगली बार।
तो महंगाई देखते हैं मुद्दा रहेगा यानी, क्योंकि जो गरीब है वो परेशान है, त्रस्त है महंगाई से, और क्योंकि सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये मुद्दे हैं जो महंगाई का मुद्दा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा, या फिर आने अभी 6 महीने क्योंकि समय है चुनाव को लेकर, तो क्या उसमें कुछ ऐसी राजनीति होगी जिससे ये मुद्दा भटकाया जाए और मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में होता चला, और भी आगे चली आगे चलते हैं और भी आगे लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि ये जो विधानसभा है, मैं अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर सामने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये सड़क चालू और इसके इधर जाएंगे मेरे लेफ्ट में तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ ही जाता है, सामने ही है, और आगे हम लोगों से और बात करेंगे और समझेंगे क्या पूरी स्थिति है, और भी चलते हैं यहाँ पे, कुछ लोग बैठे हुए हैं इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि क्या क्या स्थिति क्या परिस्थिति आने वाले चुनावों में होगी और क्या होगा। चलिए यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, चलिए जी जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र सिंह कुमार है। तो अब की बार पहले तो ये बताएं कि जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है इससे खुश हैं ना खुश हैं परेशान? खुश हैं जब ही रहा है, अब जिला पंचायत में जीत का है। क्यों जी 67 जीत का है, खुश है जब भी तो आए होंगे, तो बड़े ये तो एक विधायक जैसे ही चुनाव है, तो आरोप लगे हैं कि बंदूक की नोक, आरोप तो और विपक्ष वाले आरोप ना लगाएंगे, ये तो सही काम होगा जब दाखिल नहीं करने दिए गए हैं, दाखिल नहीं करने दिए गए, हर सरकार में ऐसा ही होगा, और सरकारों में जो कपड़े भी फटक रहे, आपके कपड़े तो ना फटे? क्यों जी मार पिटाई हो गई वहीं डीएम के सामने, पता हो कहीं हुई हो ऐसे? क्या मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार चुनाव का, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये मुद्दा रहेगा या फिर वही जाट ब्राह्मण ज्यादा, राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे बड़ा है? हाँ ईमानदारी का, रोजगार कोई जिसका पैसा उसी पे जा रहा डर है, रोजगार कोई मुद्दा बेरोजगार फिर रहे हैं ये, क्यों रोजगार क्यों रोजगार में कोई कम भर्ती करी है? जितनी स्वास्थ्य को स्वास्थ्य मैं कह रहा हूँ गूगल पर निकाल लो, जितनी 15 साल में भर्ती हुई है ना दोनों बसपा की और सपा की में, उतनी अकेले 4.5 साल में भर्ती करी है योगी ने, गिनती कर लो ना पुलिस में स्वास्थ्य उन्होंने कितनी करी, स्वास्थ्य क्या कह रहे हैं साहब? कहीं कोई विधायक मैं कहना चाह रहा हूँ कि बुराई करने में क्या पुलिस भरने से या क्या नाम है टीचर भरने से कोई उसका स्टेट का कोई भला हो रहा है, और तो डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, आईएएस बना है क्यों, आई सेंटर की नौकरी है, नौकरी तो यही है पुलिस की, कॉन्स्टेबल बनाना या टीचर बनाना ये कोई वो थोड़ी है। अभी चाय पियेंगे पहले कर लेते हैं, स्वास्थ्य खाली पड़ा है सारा, सारा लेख पास लेकर वीडियो सारी वैकेंसी खाली पड़ी है, इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है, कह रहे हैं सारी वैकेंसी, चलिए उस पर भी आएंगे, और स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा क्योंकि हमने देखी बहती हुई लाशें गंगा में, मोदी जी कहते हैं हमें गंगा मैया ने बुलाया, मतलब वैसे भी जा मैया और गंगा भी भागा है, और कहाँ भागा है, उन्होंने सही करा क्या गंगा मैया का? क्यों जी तो रहने वाले में कितनी गंगा को मानना है, उससे मानने से होगा कि क्या होगा, मतलब लाशें वहीं वो नहीं होगा कि मानते वे राम को नहीं मानते, मानना उन्होंने कभी, उन्होंने तो राम से को भी बोली चलवाई, मतलब राम पे वोट पड़ेंगे इस बार, मैं कह रहा हूँ ठेले में गई राम पे वोट पड़ेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पे वोट पड़ेंगे, सब चीज पे पड़ेंगे, राम को इतने छोटे राम का देश है यू, 7,000 साल से लोग राम को मान रहे हैं, भूखे 7,000 साल से चला रहा है, तो ये जो इतने लोगों की जो मौतें हुई राम के कारण हुई है, कैसे हुई, तो राम क्यों मारेंगे, अरे राम नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, राम के जरूरत लोग अपने उसमें जाएंगे या फिर हॉस्पिटल के नाम पे, सब चीज के नाम पे देंगे, हॉस्पिटल भी बने हैं, 9 सरकारी जिला हॉस्पिटल बने हैं यूपी में, बताओ कभी 9 बने हो तो, कहाँ बने, अब मैं यहाँ दिखा दूँ, हवाई बातें कर रहे थे उस पर नेट पर डाल लो समाचार में, कल और भी लोगों से करेंगे, भाई साहब से करते हैं बात, जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, मुझे ये बताओ कहाँ वे बने, क्या नाम है नोएडा हॉस्पिटल, कहाँ दिखाओ मुझे, आप जाके देखो मेडिकल का हाल जाके देखो, कुछ भी डॉक्टर नहीं है वार्ड में, वार्ड में भी नहीं है नर्स, सब चलिए एक मिनट, तो आप मुझे बताएं बेटा, देखो फ्रंट पेज सेकंड पेज पे वो है कि मेडिकल कॉलेज में आशा के बाद देखा आपने पढ़ा, उसमें डॉक्टर की अपने नर्स को दिखाया रूम, वहाँ है ही नहीं, वे कहाँ है, वे बताओ कहाँ है, वे 2 लाख रुपये का दी डॉक्टर की, वहाँ बैठे नहीं रहे,
अभी सब वही ये, क्योंकि अभी अभी चुनाव में छह महीने हैं, आप ये सारे मुद्दे भूल जाएंगे या फिर बात जातिवाद और धर्म के पास तो बीजेपी वाले पास तो एक ही नियम है बस, जातिवादी और कुछ नहीं है, जाति नाम वोट लेते हैं ये बस। हम नहीं भ्रमित होने वाले, हम तो पहले भ्रमित हो लिए। ये कह रहे हैं भाजपा जातिवाद की राजनीति करती है, सबकी अलग अलग विचारधारा है, सही है नहीं? मुलायम सिंह ने अभी तक किसी को बनाया अध्यक्ष अपनी पार्टी का, कोई दूसरी जाति वाला बनाया उन्होंने? यहाँ तो यूं नहीं पता कि कौन बनेगा भाजपा में, तो जातिवाद की राजनीति होगी या फिर परिवारवाद, ना जातिवाद, ये तो सारे परिवारवाद में है सारी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो, चाहे सपा हो, क्यों जी सारी पार्टी बसपा सर सारे परिवारवाद में है, और परिवारवाद का ही विरोध कर रहे हैं। जातिवाद कौन फैला रहा है आप बताओ, है ये बताओ, हम तो सब जगह बैठे हैं, ये कहते हैं बैठ के कुर्सी पे जातिवाद, तो जातिवाद तो ये फैला रहे हैं, तो जातिवाद तो ये फैला रहे हैं, हम थोड़ी फैला जातिवाद, हम तो हर जगह बैठे हैं, तो हमें बांट रखा है, जो हिंदू है, जो एससी है, जो मतलब कि जनरल है, जो वो है, सब ने बांट रखा है इन्होंने, वो इस तरह बांट रखा है। अरे पहले काम नहीं चला क्या? पहले देश की वो नहीं व्यवस्था सुधरी, उन्होंने दो काम कर रखा है कि पब्लिक चुत्र फिटने, तो इन्होंने भर्ती करी कॉन्स्टेबलों की और एजुकेशन की, बस ये दो चीज़ ध्यान यानी सारा मेडिकल लाइन खाली पड़ी है, सब मैं वे कर रहे हैं, जो वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें वहाँ पे सुविधा दवा रहे हैं, वे जा दे लो तुम आपके हॉस्पिटलों में को मैं मेडिकल हॉस्पिटल जा रहे हैं, कितना बुरा हालात है। चलिए तो ये जो सभी मुद्दे हैं, ये महफिल है, इन पे इन लोगों से थोड़ी बहुत और बातें करेंगे कुछ लोगों से और, तो साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील। सुनील क्या लग रहा है कि पहले तो ये बताएं, साढ़े चार साल का जो कार्यकाल रहा, खुश रहे ना खुश हैं? आप 100% सर्वे करा लो, कितने परसेंट लोग इस चीज़ से खुश हैं या ना खुश हैं, मजा सर्वे कर रहे हैं। नहीं आप कर भी रहे हैं ना, कानून व्यवस्था कैसी थी पहले यहाँ पे यूपी के अंदर, कानून व्यवस्था कैसी थी? दिन दहाड़े तो अभी भी आरोप लग रहे हैं, तो प्रजा तो जीवन में आरोप क्या लगे, रोज अखबारों में खुद देखा, अपनी आंखों से अखबारों में छप, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई साहब, आजम खान यहाँ पे आए थे फूलबाग कॉलोनी में, फूला कोल्ड स्टोर में, हाँ पुलिस वालों को उनके कार्यकर्ता गाली बक रहे थे मेरे सामने खड़े हो गए। मैं कह रहा हूँ कि रोज अखबारों में चोरी की बलात्कार की खबरें रोज उत्तर प्रदेश के अखबारों में छपती हैं, ऐसी वैसी नहीं कह सकते भाई साहब, ऐसी वैसी नहीं कह सकते, जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे और कह रहे हमारे हमें जेल बाहर नहीं जाना, हमें अंदर रहना, अभी बताओ है क्योंकि सबसे बुरा है वो परेशान है, लेकिन बुराई भी नहीं करना, क्योंकि उसने गरीब का क्या होगा, जो महंगाई का मुद्दा है, जो तेल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, ये मुद्दा नहीं है क्या? मुद्दा है, लेकिन हर चीज को जो है वो राष्ट्रवाद से ज्यादा मतलब है, उसको रोटी से मतलब है, देखो सभी चीज से मतलब है भाई साहब, गरीब को अगर अपने आप से मतलब है तो देश से भी मतलब है, ऐसे नहीं आज पहले रोटी है क्या? नहीं रोटी भी है और देश भी है, ये जो सरकार इतना काम कर रही है, विकास के इतने काम हो रहे हैं, ये कोई सरकार वैसे थोड़ी कर रही है, बताओ कौन सा काम विकास का रुक रहा है, कौन से काम नहीं हो रहे बताओ, इतने जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, आप बॉर्डर अरे भाई साहब देखो कहीं भी जाओ, कहीं जो काम सारा है, दो ब्रिज दो हाईवे उत्तर प्रदेश में, आपके यूपी में पूरे सेंटर में लगा लो भाई साहब, कौन सा विकास नहीं हुआ, कहाँ काम नहीं हो रहा, कौन सा हाईवे नहीं बना बताओ, कहाँ भी चले जाओ, दो हाईवे के नाम, आप किधर भी किसी रोड से निकलो, दो हाईवे में तो जाता नहीं कहीं, लेकिन आप ये देखो आप सर क्या कह रहे हैं कि खुश हैं सरकार से? हाँ खुश हैं सरकार से, हाँ बिल्कुल। चुनाव के मुद्दे देखो, महंगाई मुद्दा रहेगा तो महंगाई मुद्दा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, लेकिन सरकार में महंगाई बढ़ी है, लेकिन कोरोना को विश्व की महामारी को भी तो देखो, अगर आप ये देख रहे हैं तो कहीं कहाँ नहीं आई है बताओ, सब जगह आई है, दूसरी लहर जैसी भारत में आई वैसे दूसरे कौन से देश में आई,
सब जगह ब्रिटेन वगैरह में दूसरी लहर जैसी भारत में वैसी कहीं नहीं आई। नहीं इतने ज्यादा नहीं आई लेकिन आई सब में है। आई सब में है वो समाज भाई आप कह रहे हैं अभी शुरू बन गए आप वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं सभी लोगों को। भैया इतनी जनसंख्या कौन से देश की है ये तो बताओ, ये बताओ इतनी जनसंख्या कौन से देश की है भारत के बराबर, जितने अमेरिका वगैरह ये सब हैं इतनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और उन्होंने फिर भी जो है इसे हालात को बिल्कुल। आपने वैक्सीन लगवाई क्या? हाँ मैंने लगवाई। वैक्सीन लगवाई आपने? लगवाई है। सबने लगवा ली वैक्सीन? बिल्कुल लगवाई है। हाँ फ्री में लगवाई है। हाँ आपकी वैक्सीन लगी क्या? ये भाई साहब इनकी नहीं लगी। ये मैं अभी लगे वैक्सीन मेरा। ये भी एक से ये एक मेरी बात सुने बात मैं सवाल तो सुन ले सवाल सुनेंगे तभी जवाब देंगे। ये सवाल सुनेंगे तभी जवाब देंगे ना। पहले सवाल तो सुन ले। सवाल ये है कि आप सारे पक्ष वाले हैं बीजेपी के लोग हैं तो बीजेपी वालों को वैक्सीन लगी और ये जो है विपक्ष के लोग हैं विपक्ष वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी क्या? विपक्ष वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी? लगेगी बिल्कुल लगेगी। तो नहीं लगी वैक्सीन? आपने वैक्सीन लगवाने गए थे? वैक्सीन लगवाने गए थे हमने, बुक करने गए थे उस टाइम बुक सीट हो गई थी फुल। हम दोबारा ने आप करा है, आपका नंबर है हमारा। आपके नंबर है? हाँ जी। चलिए आपके नंबर है इनको भी लग जाएगी मतलब। चलिए ठीक है तो हाँ राय इनकी राय हो गई तो ये है। रुक हाँ मुख्यमंत्री थे हमारे अखिलेश यादव जी, उन्होंने पहले विरोध करा था कि वैक्सीन मैं लगवाऊंगा नहीं, फिर उन्होंने लगवाया। क्यों लगवाया? जब वो कह रहे कि विपक्ष वालों को नहीं लगेगी, अब वो कह रहे हैं कि लगनी चाहिए, सबको लगनी चाहिए। हाँ जी क्या कह रहे हैं? क्या जून जुलाई में कोरोना वायरस कमजोर पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बताओ मुझे। तीसरी लहर की बात हो रही, तीसरी लहर की कोई तैयारी नहीं कर रहे? चुनाव में तो बुरी चुनाव की तैयारी चल रही, मंत्रिमंडल बदले जा रहे हैं। नहीं तैयारी भी है लेकिन तैयारी है, अब ऐसा थोड़ी है भाई इतनी वैक्सीन लग रही है रोज, ये तैयारी तो है उसको रोकने के लिए तो वैक्सीन लग रही है। और नहीं तो आप बताएं, जैसे कि यूएनए ने कहा है कि जो तीसरी लहर आ रही है उसमें जो वैक्सीन भारत लगवा रहा है कोविशील्ड वो तो उसमें काम आएगी नहीं, तो उस पर क्या है, क्या तैयारी फिर उसकी चल रही है? देखिए कोविशील्ड नहीं ऐसा कोई सा देश दिखाओ बताओ जो जिसका टीका ऐसा हो कि भी उस पर प्रभाव ना पड़े, है किसी पे? WHO ने वैसी मान्यता नहीं दी है कोविशील्ड को, अब मिल जाएगी कुछ नहीं मान्यता मिल जाएगी, नहीं मिली है तो मिल जाएगी। हाँ वैक्सीन लगे जा रही है, WHO की मान्यता है नहीं। जी जी क्या 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 है ये बताओ जी। हाँ जी जी अब दुआ पूछो जी। क्या क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मान्यता मिल चुकी है, वो लेटर कहाँ मान्यता मिल चुकी है? यूनो दे दी, यूनो ने रिजेक्ट कर दिया है और तीसरी लहर के लिए मना कर दिया है। चलिए तो अब देखेंगे क्या मुद्दे इस में रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये थी दक्षिणी दिल्ली दक्षिण मेरठ से हम थे, ये विधानसभा दक्षिण मेरठ की, क्या यहाँ के क्या रोक, आपने कई लोगों को सुना। कुछ कहते हैं कि महंगाई का मुद्दा रहेगा, गरीब पिस रहा है, गरीब दब रहा है, गरीब के लिए कोई सुनवाई नहीं, और एक तरफ है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा, वो जाति धर्म का मुद्दा तो जो कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से होता आया है। तो देखेंगे कि आगे 6 महीने में क्या होगा और चुनाव के परिणाम क्या होंगे, सारी स्थिति हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी, और हमसे जुड़ने के लिए आप अपनी विधानसभा और अपना नंबर या तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं या फिर dasunami.news@gmail.com पर हमें अपनी विधानसभा और नंबर बताएं, हम आपके पास भी पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।